Welcome back to science class. So second chapter, plants our green friends. अब तक हमने देखा है कि plants हमें बहुत useful है, इसके लिए हमने उसे our green friends कहा है. Last week plants में हमने देखा है कि वो हमारे लिए कैसे useful है, उससे हमें क्या क्या different different eating products मिलते हैं, then वो कैसे useful है. और इस part में हम देखने जा रहे हैं कि उससे और अलग अलग हमें useful जो other है eating के अलावा कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हमें मिलते हैं प्लांट्स पे वो क्या है. अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स गिव अस फाइबर. वी यूज कॉटन, फ्लैक्स, जूट एंड कोयल टू मेक क्लोथ एंड अदर यूजफुल थिंग्स. जैसे कि वी यूज कॉटन. कॉटन हमें मिलता है, कॉटन से और भी जैसे कि हमारे क्लोथ्स रेड तैयार होते हैं, तो ये बहुत यूजफुल है. इट मीन्स प्लांट से हमें फाइबर, मीन्स हम जो ईट करते हैं वो तो हमें मिलता है, पर जो वेयर करते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, देन कॉटन से क्लोथ तैयार किए जाते हैं. सी जूट, प्लांट से हमें जूट बैग मिलती है. ठीक है, मीन्स इसको तैयार करने के लिए जो जूट हमें चाहिए होता है वो हमें प्लांट से मिलता है. देन जो हमारे क्लोथ्स तैयार होते हैं वो जो कॉटन है वो भी हमें प्लांट से मिलता है. देन ये जो रोप है, ये रोप भी हमें कहाँ से मिलता है, कोकोनट. कोकोनट देखो, कोकोनट के बाहर का जो हम निकालते हैं वेस्ट बोर्ड के उसे जो निकालते हैं उससे हमें क्या मिलता है, तो रोप मिलता है. पेपर इज मेड फ्रॉम पल्प ऑफ ट्रीज लाइक बार्क. जैसे कि हम जो पेपर यूज करते हैं, जो नोटबुक हम यूज करते हैं, जो बुक्स हम यूज करते हैं, उसके लिए जो पेपर होता है वो भी हमें कहाँ से मिलता है, तो प्लांट्स से. बांबू, ये जो ट्री है उसके पल्प से पेपर तैयार किया जाता है. वी मेक डाइज, पेंट्स एंड वर्निशेस फ्रॉम जूस जूसेस ऑफ सम ट्रीज. वी गेट डाइज फ्रॉम प्लांट्स लाइक कीना एंड टू इंडिगो. जैसे तो हेयर को मेहंदी लगाई जाती है, तो उसमें कीना एंड हेयर कलर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. Then plants give us rubber and gum. Rubber and gum. We make perfumes with flowers of some plant. जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि रबर बैंड्स है, देन ये जो हम गम यूज करते हैं, देन ये बॉल्स है, ये रबर बॉल्स है. ठीक है, देख इरेजर है, शूज, परफ्यूम, ये जो है ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट्स बड़े ट्रीज है, वो ट्री से हमें क्या मिलते हैं, ये गम्स मिलते हैं. मीन्स उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है, देन ये प्रोडक्ट हमें अवेलेबल होते हैं. देन जैसे कि परफ्यूम है, परफ्यूम में हमें जैसे परफ्यूम हम यूज़ करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स का स्मेल उसमें होता है, तो वो भी प्लांट्स ही हमें अवेलेबल होते हैं. वी मेक कंपोस्ट विद ड्राई लीव्स. फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन एंड देखिए. ओके, जैसे कि हमें कोई भी प्लांट, अगर हमें उसको प्लांट को अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ करनी है तो उसे कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये कंपोस्ट एक खाद जो है कहाँ से मिलता है, तो ड्राई लीव्स से मिलता है. देन फ्लावर्स का भी, फ्लावर्स एंड लीव्स का भी बहुत सारा यूज है, जैसे कि डेकोरेशन के लिए. कहीं अगर फंक्शन है तो फंक्शन में फ्लावर्स के डेकोरेशन होते ही है. और फॉर मेकिंग बुके, जैसे कि अगर किसी को बुके देना है, किसी का फेलिसिटेशन करना है, तो बुके हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो मीन्स प्लांट जो है हमें इस तरह से यूजफुल है, ना कि सिर्फ खाने के लिए हम जो पहनते हैं, हम जिस पर बैठते हैं, वो सब जो प्रोडक्ट हमें कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट से मिलते हैं. इसके लिए हमें क्या करना है, प्लांट्स आर अवर वेल्थ, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम. जैसे कि मैंने लास्ट ईयर में बोला कि हमने प्लांट की प्लांटेशन तो करना ही चाहिए बस, बट उसकी अच्छी तरह से केयर भी करनी चाहिए, उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ भी हमें होगी. इस तरह से हमें उसे अच्छी तरह से, वो कैसे सर्वाइव करेगा खुद को, ठीक है, उस तरह से हमें उसकी केयर करनी है. बिकॉज ट्रीज हमारे लिए किस होल चैप्टर में हमने देखा है किस तरह से यूजफुल है. ठीक है, तो इस वीडियो को देख के हम फिर से एक बार चैप्टर को रिवाइज करें. Why do you think plants are called our green friends? We call them our green friends because they are very useful to us. They give us food, medicine, clothes.
different parts of a plant. We eat roots, stems, leaves, fruit, and flowers as vegetables, and cereals and pulses. We also get nuts from plants. Nuts are dry fruit with a very hard shell. They give us energy. Almond, groundnut, and cashew nut are some dry fruits. We get spices from plants. They add taste, color, and aroma to food. Some spices are black pepper, cardamom, turmeric, and red chilies. Plants also give us tea, coffee, cocoa, and sugar. Tea and coffee are beverages. We make tea from dried leaves of tea plant. We get coffee from coffee beans, seeds of a coffee plant. We get cocoa and chocolate from the seeds of a cacao tree. We get sugar from the roots of a sugarcane stem. Plants also keep air fresh. Plants take in a gas called carbon dioxide from the air and give out another gas called oxygen. Oxygen makes the air fresh. Human beings and animals need oxygen to breathe. Plants are also helpful to animals. Plants provide shelter to many animals like monkeys, birds, and insects, and also give them food. There are some other uses of plants. Plants give us fiber, medicines, wood, rubber,